नमस्कार। आज के सत्र में हम एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन विधि पर चर्चा करने वाले हैं। एक प्राथमिक अध्यापक के रूप में जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को देखते हैं, तब उन विद्यार्थियों में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। कई विविधताएं ऐसी होती हैं, कई गुण या कई गतिविधियाँ इस प्रकार की आपको नज़र आती हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों में एक जैसी होती हैं। कई बार कुछ विद्यार्थियों के कुछ विशेष गुण होते हैं, विशेष समस्याएँ होती हैं, या उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होती है। पर एक प्राथमिक अध्यापक ऐसे विद्यार्थियों के बारे में कैसे जाने, ये उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है। तो विद्यार्थियों के बारे में अध्ययन करना, विद्यार्थियों की परिस्थिति के बारे में अध्ययन करना, इसकी बहुत सारी विधियाँ बताई जाती हैं और बहुत सारी विधियों के विषय में चर्चा की जाती है। ऐसी एक बहुत प्रचलित विधि है जिसको हम प्रस्तुति अध्ययन या केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जे एन बालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है बालिया जी। डॉक्टर जे एन बालिया जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं शिक्षा विद्यापीठ में, स्कूल ऑफ एजुकेशन में, और हमसे आज केस स्टडी अर्थात जो प्रस्तुति अध्ययन है इसके विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा का प्रारंभ करते हुए मैं डॉक्टर बालिया से निवेदन करूंगा कि हमारे शिक्षार्थियों को ये बताएं कि प्रस्तुति अध्ययन एक विधि के रूप में स्थापित कैसे हुई, इसका थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद डॉक्टर गौरव सिंह जी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुति अध्ययन की उपयोग संरचना के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने कहा, सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। प्रस्तुति अध्ययन विधि एक बहुत ही प्रचलित विधि रही है समाजशास्त्रियों के बीच में, शिक्षा शास्त्रियों के बीच में, और आप आज शिक्षण के क्षेत्र में ये बहुत एक उपयोगी विधि के रूप में प्रचलित हो रही है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग फ्रेडरिक रिप्ले ने सन 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया जी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा ये। उसके पश्चात 1967 में बार्ने ग्लेजर ने और एंसेलम स्ट्रॉस जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत करके समाज विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि जो केस स्टडी या प्रस्तुति अध्ययन विधि है इसका प्रारंभ समाजशास्त्र से हुआ है और समाजशास्त्रियों ने इसका बहुतायत में प्रयोग किया और धीरे धीरे शिक्षा के लोगों ने इसको अपने उपयोग के लिए प्रयोग करना प्रारंभ किया। और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक जितने रहे उन्होंने भी इसको बहुत विस्तार से जो इसका प्रयोग मिला है जी। वर्तमान में प्रस्तुति अध्ययन का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है। इससे पहले मैं आगे और विस्तार से आपसे बातचीत करूं, मैं चाहूंगा कि कुछ परिभाषाओं की हम बातचीत भी कर लेते जी, हैं जी। जैसे एक इसको हम अलग अलग रूप में परिभाषित करने का प्रयास करें। ओडम और जोचर के अनुसार प्रस्तुति अध्ययन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कारक, चाहे वह एक संस्था हो अथवा एक व्यक्ति हो, समूह के जीवन की एक घटना हो, या कोई भी किसी तरह का कोई एक संस्थान हो, उसका एक विश्लेषण उस समूह की किसी भी इकाई के संदर्भ में किया जाए, ये ओडम और जोचर के अनुसार परिभाषित किया गया। बहुत मशहूर प्रचलित हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, शिक्षा शास्त्री रहे हैं, पीवी यंग, उनके अनुसार किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो, समुदाय हो, उसके जीवन के विश्लेषण और विवेचन करने की पद्धति को भी हम प्रस्तुति अध्ययन बोलते हैं, केस स्टडीज बोलते हैं जी। गुड और हॉट ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है प्रस्तुति अध्ययन की, जहां उन्होंने ये कहा कि सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का यह वो ढंग है जिसके अध्ययन किए जाने वाले विषय के एकात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके। थोड़े से भिन्न रूप में यह पद्धति है जिसमें एक सामाजिक इकाई को एक समग्र के रूप में देखा जाता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाता है। साथ ही साथ एक और परिभाषा का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा आपके सामने, वो बीसेंज और बीसेंज की एक परिभाषा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रस्तुति अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है जी। जिसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, सावधानीपूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। इसमें पूर्णता की बात हमेशा की जाती है, अवलोकन पूर्ण हो, इसमें कहीं कोई संक्षिप्त की हम बात नहीं करते हैं, एक बहुत गहराई में जाकर उसका हम अध्ययन करते हैं। ये एक बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है। इन सारी परिभाषाओं पर अगर हम दृष्टि डालें और ये देखें कि इन सारी परिभाषाओं में समानता क्या है या इन सारी परिभाषाओं का निचोड़ क्या है, क्योंकि कई बार अध्यापकों के लिए
उन परिभाषाओं में क्या कहा गया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और हमारे जो प्राथमिक अध्यापक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनको ये परिभाषाएं बताने का उद्देश्य हमारा यही है कि वो ये जाने कि ये विधि एक सुनिश्चित विधि है, इस पर बहुत काम हुआ है, इस पर बहुत अध्ययन हुए हैं, इसका बहुतायत में प्रयोग किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको सफलतापूर्वक प्रयोग किया, इसीलिए इस विधि की चर्चा अध्यापकों के साथ हम कर रहे हैं। अगर हम अध्यापकों की दृष्टि से देखें तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे प्राथमिक अध्यापकों के लिए या प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए किस रूप में उपयोगी है, इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, शिक्षक एक हमेशा एक सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। जी, शिक्षक का कार्य सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसके संबंधित जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो छात्र हैं, उनको एक सही मार्गदर्शक के रूप में वो आए, उनको सही सलाह दे, उसके पूरे इस कक्षा के सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में बहुत सारी परिस्थितियों से उसको जूझना पड़ता है जी, रूबरू होना पड़ता है जी, और ख़ासकर उसकी कक्षा में बहुत सारे समस्यात्मक बालक बालिकाएं भी होते हैं। ऐसे बालकों के सुधार के लिए शिक्षक को हमेशा तत्पर रहना, हमेशा वो कदम उठाने चाहिए, उनका एक विश्लेषण करना चाहिए क्या समस्याएं हैं। इसके लिए शिक्षक समस्यात्मक बालकों के सुधार के पूर्व उनके इतिहास को स्वयं उनके परिवार से, उनके मित्रों से और उनके और संबंधों जो लोग हैं उनसे जाँच करके, पूछताछ करके तथ्यों का संकलन करता है जी, और संकलन करने के बाद उन तथ्यों का एक पूरा अभिलेखन करके, उसका प्रतिवेदन करके, संबंधित लोगों को सूचना देकर और विश्लेषण करके उसमें उस कुछ निष्कर्ष पर पहुंचकर सुधार लाने का भी प्रयास कर सकता है जी। तो उसके लिए बहुत उपयोगी है जी। और यहाँ पर मैं और थोड़ा सा गहराई में इसकी बात करना चाहूँगा कि जैसे एक समाजशास्त्री जी रहे हैं बर्गेस, जिन्होंने ये कहा है, उन्होंने इस परिस्थिति अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र भी कहा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि माइक्रो लेवल पर, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, क्योंकि इसमें बहुत गहन अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने इसको सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा। और आप सब जानते हैं कि कक्षा खुद एक सामाजिक ही एक स्थिति है, जहां पर कक्षा में विद्यार्थी बालक बालिकाएं अलग अलग समाज के वर्गों से आए होते हैं, तो कक्षा खुद एक छोटा सा समाज का स्वरूप है जी। तो उसमें उनके हर बालक एक अलग अलग स्थितियों से आया हुआ है, तो उसका एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र मुझे लगता है बहुत ही एक समुचित शब्द है उसके लिए। साथ ही साथ इसमें हम लोग परिस्थिति अध्ययन में कुछ ऐसी निष्कर्ष निकालने से पहले कुछ ऐसी बात भी सोचते हैं कि ये छात्र ऐसा क्यों है, ये बालक ऐसा क्यों है, क्या इसके बारे में है, तो वो भी एक इसमें उपयोगी साबित होता है। परिस्थिति अध्ययन एक बहुत पद्धति पर वर्गीकृत पद्धति होते हैं, इसमें हर चीज़ का एक वर्गीकरण करते हैं, हर चीज़ को उसके आयामों को विमाओं के रूप में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अध्यापक के लिए बहुत एक महत्व रखता है। और जितने छात्र और छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनकी मनोवृत्तियों से संबंधित गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में ये बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत तरह की प्रविधियाँ विधियाँ यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि प्रस्तुति अध्ययन की उपयोगिता एक शिक्षक के लिए क्या है। मुझे लगता है कि जब हम इसकी उपयोगिता की चर्चा कर रहे हैं तो इसके महत्व की चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि शिक्षक के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग हमारे अध्यापक बच्चों का और बच्चों की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए करते हैं, तो बच्चों का अध्ययन करना या बच्चों की परिस्थितियों का अध्ययन करना शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, इस विधि के महत्व पर जरा प्रकाश डालें। ये एक ऐसा अध्ययन है, इसमें हम जो दीर्घ प्रक्रियाएं हैं उसका हमको ज्ञान शिक्षक को मिलता है जी। परिस्थिति अध्ययन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता उस बालक बालिकाओं के अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूर्णता समझ कर, उनका समन्वय करके यथार्थ निष्कर्ष देने में सफल हो सकता है जी। साथ ही साथ किसी भी बड़े किसी कार्य को करने से पहले, कोई ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले, वो ये भी जान सकता है कि किस तरह का हम उसके साथ, किस तरह का हम प्रयोग करें, किस तरह के उपकरणों का प्रयोग करें, कैसा हम उसको दिशा निर्देश दें, ये भी एक अध्यापक का बहुत आराम से इस चीज़ का अध्ययन कर सकता है। और हर बालक को उसके अनुसार ही हम उसका एक विश्लेषण करते हैं, ये इस मेथड का एक विधि का बहुत खास एक मैं कहूँगा लाभ है। साथ ही साथ अब
एक और आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा एक बालक को ना सिर्फ कक्षा के विषयों से संबंधित जानकारी दे या उसका निष्कर्ष निकाल कर उसको मार्गदर्शक बने, बल्कि उसके आगे आने वाले भविष्य में किस तरह का उसको व्यवसाय लेना चाहिए, किस तरह के क्षेत्र में जाना चाहिए, वो भी हम इस परिस्थिति अध्ययन के से मालूम कर सकते हैं। जी बालिया जी, बालिया जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि परिस्थिति अध्ययन की आवश्यकता और महत्व क्या है, और एक प्राथमिक शिक्षक को इस विधि के बारे में जानना और इस विधि का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। वो यदि इस विधि का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों के विषय में जानना चाहता है, अपने समाज के, जिस समाज में विद्यालय स्थापित है उस समाज की परिस्थितियों के विषय में जानना चाहता है, तो परिस्थिति अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण विधि हो सकती है। जब हम इस विधि की बात कर रहे हैं तो हम ये भी वाले जी से निवेदन करेंगे कि हमारे अध्यापकों को बताएं कि ये विधि कितने प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है, इस विधि के कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं। परिस्थिति अध्ययन मूलतः दो स्थितियों में संचालित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इस स्थिति में अध्ययन करने के लिए सूचना का संग्रह जो है वो दीर्घ काल तक करते रहना होता, लंबे समय तक करना पड़ता था, लेनी होती। और स्थिति में परिवर्तन को अलग अलग समय के अंतराल के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ये देखा जाता है, मान लीजिए कि हम एक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, किसी बालक जो कि छठी क्लास में है, और हम उसके पूर्वार्ध में भी देखें, उसके पहले, उसके एक महीने बाद, दो महीने बाद, और उसको निरंतर उसको अलग अलग समय के अंतराल में उसके व्यवहार में परिवर्तन और उसके जो संबंध हैं उसके माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ, उसके अपने मित्रों के साथ, उसका हम एक अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं ये अलग अलग समय के अंतराल में। और इसमें हम जो उपकरणों का उपयोग लाते हैं वो हम एक ही उपकरण का प्रयोग अलग अलग समय अंतराल में करते निरंतर करते रहते हैं। जहाँ तक क्षैतिज की बात है, वर्टिकल जो इसका एक दूसरा प्रकार है, उसमें उस स्थिति का विश्लेषण सभी प्रकार के उपलब्ध स्रोतों की सहायता से वर्तमान समय में किया जाता है। एक ही समय में ही हम उसको करने का प्रयास करते हैं और वहीं से हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, वहीं से हम उसको और आगे जो भी हमें इसके बारे में एक उसका निर्णय देना हो वो भी हम उसी के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ही करने का प्रयास। उसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक अध्ययन नहीं करना पड़ता। लेकिन है। जो सूचनाओं का संग्रह है वो विभिन्न स्रोतों से उसी समय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर बालक हमारा छठी क्लास में पढ़ता है तो अगर हमारे पास समय है तो उसका हम विश्लेषण और उसकी जो समस्या है, समस्या का एक अपना इतिहास है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि समस्या की प्रकृति कैसी है। क्या एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हम वर्टिकल स्टडी कर सकते हैं, या एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी पड़ेगी, उसका निदान कैसे करना है, ये समस्या पर निर्भर करता है। यहीं पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रस्तुति अध्ययन होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर भी जरा सा प्रकाश डालें। जहां तक हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे एक महत्वपूर्ण, जो पहले भी हमने अपने चर्चा में बात की, एक इसमें विशेष इकाई का अध्ययन करना होता है, एक या उस इकाई के एक प्रमुख भाग के अध्ययन। इकाई का मतलब हो गया तो कि इकाई एक बालक भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, कक्षा भी हो सकती है। कई बार हम लोग अपने शिक्षा में देखते हैं, शैक्षिक जो हमारा अनुभव है, मैंने देखा है कि एक विशेष इकाई एक कक्षा होती है, उस कक्षा में एक अलग तरह की समस्या है और उसका हम अध्ययन करते हैं गहराई के साथ। तो विशेष इकाई एक बालक हो सकता है, कोई बालिका हो सकती है, कोई एक कक्षा हो सकती है, या पूरा विद्यालय में भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, हमें प्रधानाचार्य कहते हैं कि कोई इस तरह की समस्या है, तो उसका हम एक अध्ययन भी करते हैं और ये गुणात्मक अध्ययन है। इसमें हम जहाँ तक, क्योंकि हम बहुत विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये इसका एक गुणात्मक अध्ययन है, उसके गुणों के बारे में विस्तृत हम उसकी व्याख्या करते हैं, एक एक गहराई के साथ उसको हम जाते हैं। और एक गहन अध्ययन की भी बात होती है कि ये परिस्थिति अध्ययन एक बहुत गहन अध्ययन है, क्योंकि ख़ास तरह से अगर अभी हमने बात की, चर्चा की, कि ये जो हमारा प्रकार है, इसमें जो हमारा ऊर्ध्वाधर प्रकार है उसमें हम ज़्यादा गहन अध्ययन की बात करते हैं, क्योंकि गहराई में जाते हैं इसलिए हमको उसके लिए समय भी बहुत अधिक लगता है। कारकों का अध्ययन और विश्लेषण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि इसमें हम सिर्फ परिस्थिति का एक विश्लेषण ही नहीं करते हैं, सिर्फ उसको हम व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि उसके कारकों का अध्ययन भी, उसका जो कारण है उनको भी अध्ययन करते हैं, और कारकों के अध्ययन की सहायता से ही हम कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। और कारकों का अध्ययन मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है हमारे परिस्थिति अध्ययन की। साथ ही साथ एक और विशेषता का मैं उल्लेख करना चाहूँगा गौरव जी,
कि इसमें हम बहुत सारे स्रोत और बहुत सारे प्रविधियों का प्रयोग एक साथ करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हम जो हमने सूचनाएं इकट्ठी करनी होती है, उनका संग्रह करना होता है, तो हम बहुत सारे सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। माता पिता, उसके मित्र और उसकी घर में जाकर उसके जहाँ पर रहता है, निवास स्थान है, वहाँ से पुराने विद्यालय जहाँ से आया हो वहाँ से भी हम लेने का प्रयास करते हैं, जिससे उसका हम संपूर्ण उसका हम आलेख प्रस्तुत कर सकें और एक पूरी तरह से उसका हम निष्कर्ष पर पहुँचे। बालिया जी, अभी तक हमने जो चर्चा की, हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहा कि प्रस्तुति अध्ययन विधि क्या है, प्रस्तुति अध्ययन के बारे में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है, प्रस्तुति अध्ययन की क्या विशेषताएं हैं, एक अध्यापक को इस विधि का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। लेकिन हमारे अध्यापक के लिए इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानना ये है कि वो इस विधि का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि प्रस्तुति अध्ययन एक विधि है, वो जान गया, उसकी गुण भी जान गया, उसके सकारात्मक पक्ष भी जान गया, उसका प्रयोग वो करना चाहता है। परंतु यदि एक अध्यापक उसका प्रयोग करना चाहता है किसी विशेष स्थिति के अध्ययन के लिए, तो उसका प्रयोग कैसे करेगा, उस जरा प्रक्रिया पर यदि आप विस्तार से प्रकाश डालेंगे तो वो हमारे अध्यापकों के लिए अधिक उपयोगी होगी। इसकी प्रक्रिया मैं मान के ये नहीं चलूँगा कि बड़ी निश्चित होती है, क्योंकि इसमें हम समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार हम अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं जी। फिर भी एक प्रक्रिया का हम एक स्पष्ट एक पूरा बताते हैं कि इसमें सबसे पहले हम जो हमारी इकाई है जिसका हमने अध्ययन करना है उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, उसका चयन बहुत आवश्यक है कि हम उसको, वो इकाई हमारी एक बालक हो सकता है और वो एक कोई संस्था हो सकती है या कक्षा हो सकती है, तो उसका निर्धारण करना, उसको पूरी तरह से उसका समझना ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके पश्चात उस इकाई में जो समस्या है वो समस्या कहाँ पर है, किस जगह पर है, समस्या किस जगह पर स्थापित है, कहाँ पर है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बालक है तो बालक से जुड़ी क्या समस्या है, विद्यालय है तो विद्यालय से जुड़ी क्या समस्या, बालक के किस व्यवहार के किस पक्ष से जुड़ी कहाँ पर समस्या है, उस पर जब तक हम नहीं जाएंगे तो हमारा कई बार विश्लेषण जो है वो गलत राह में जा सकता है। और उसके साथ ही साथ हम उसके क्षेत्र का निर्धारण भी करते हैं, जब हम समस्या का चुनाव कर रहे हैं तो हम क्षेत्र का भी निर्धारण करते हैं कि किस क्षेत्र में है वो, उसकी जो समस्या है या जो जिस पर हम जिसका विश्लेषण कर रहे हैं वो कक्षा है कि उसका घर है कि उसका मित्रों के साथ उसकी बातचीत का है, जो क्षेत्र है उसका निर्धारण भी बहुत ज़रूरी है जी। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर गौरव, हम ये भी प्रयास करते हैं पहले ही इसमें पद में कि विश्लेषण का क्षेत्र क्या होना चाहिए, हम जब इसका विश्लेषण करेंगे उसका भी क्षेत्र हमारा कहाँ होना चाहिए, किस जगह हम करेंगे। कई बार देखा गया है कि अध्ययन का क्षेत्र और विश्लेषण के क्षेत्र में कुछ लोग कभी विभिन्नता लाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कभी रिजल्ट्स और उसके परिणामों में उस पर फर्क पड़ सकता है जी। ये करने के बाद जब हम ये पूरा अध्ययन कर लेते हैं, इकाइयों का निर्धारण, समस्या को चुनाव, अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण और विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण जब हम कर लेते हैं, इसके बाद हम इन सभी आस्पेक्ट्स में इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई घटनाओं का कालक्रम का सूचनाओं का संग्रह करते हैं अच्छा। और पूरा इसका एक कंप्लीट पूर्ण रूप से इसका रिकॉर्ड बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला पद है वो है खास पद इस पूरे प्रक्रिया का, और वो है निर्धारक कारक या तत्व जी। ये देखना कि इसके कारक, इसके कारण क्या हैं, उनका निर्धारण करना, उनका सही चयन करना, उनके बारे में पूरा उसका विश्लेषण करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है इसका। तो दो तरह के कारक माने जाते हैं इसमें, एक प्रमुख कारक और सहायक कारक जी। प्रमुख कारक वो होते हैं जो उसके साथ, मान लिया कि हमने एक बालक पर हम लेकर चल रहे हैं, उसका प्रस्तुति अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे पूरे जुड़े हुए जो कारक हैं उसके व्यक्तित्व के साथ, उसके अपने जो कार्य हैं उसके साथ। सहायक कारक वो होंगे जो उसके माता पिता या उसके परिवार या उसका विद्यालय या उसके मित्र, उनके द्वारा किए गए कुछ कारक जो जिसकी वजह से उसके अंदर समस्या आ रही है, उसका भी विश्लेषण यहाँ पर, उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। ये इसका तीसरा पद है जी। ये सब करने के बाद, क्योंकि कारण, हम जब तक कारक नहीं जानेंगे हमने आगे जाने का कोई इसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब करने के बाद हम इस पूरे एक एक कारक का और इस कारक से जुड़े हुए सभी पदों का एक पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं,
और विश्लेषण करने के लिए हमें बहुत सारी प्रविधियों का ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी प्रणालियों की ज़रूरत पड़ती है और उसके पश्चात ही हम कोई निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से एक केस अध्ययन जो परिस्थिति अध्ययन है उसका हम प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी सीमाओं पर भी बात कर लें और फिर हम इसके विषय में आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि परिस्थिति अध्ययन यदि एक अध्यापक प्रयोग करता है तो उसकी मुख्य सीमाएँ कौन कौन सी हैं? डॉक्टर गौरव, सीमाओं पर जाने से पहले मैं संक्षिप्त में इसकी प्रविधियों की भी बात करना चाहूँगा। प्रविधियों की बात करना चाहूँगा क्योंकि परिस्थिति अध्ययन में जो प्रविधियाँ हैं बहुत आंकड़े जो भी आंकड़ों का जो संकलन करना है, आंकड़ों का संकलन जो करना है उस पर एक उपकरण या साधन का प्रयोग हम नहीं लेते हैं। बहुत सारे गहन अध्ययन होता है और गहन अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार के प्रविधियों का प्रयोग लाएं। यहाँ पर दो तरह के प्रविधियों का प्रयोग लाया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। ये दो प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करने पड़ते हैं ताकि इकाई के व्यवहार को ठीक तरह से गहराई से समझा जा सके। हम जब प्राथमिक कारकों की बात करते हैं या प्राथमिक प्रविधियों की बात करते हैं तो उसमें तीन तरह की प्रविधियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। एक साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, बच्चे का इंटरव्यू, बच्चे से संबंधित लोगों का इंटरव्यू, अनुसूची जिसमें शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं उसका भी प्रयोग बहुत होता है, और अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। ये तीन प्रविधियाँ हमारी प्राथमिक सूचनाएं के संकलन में इस्तेमाल होती हैं और द्वितीयक सूचनाओं के संबंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डायरियाँ, उसके निजी पत्र या उसका जीवन इतिहास जो उसके हम माता पिता से या उसके हम मित्रों से या उसके परिवार वालों से भी ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, या अगर हमारी संस्था है तो उसका इतिहास भी हो सकता है। इस तरह की हमारी दो प्रकार की हमारी प्रविधियों का प्रयोग यहाँ लाया जाता है आंकड़ों के इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, दोनों प्रकार के आंकड़े इकट्ठे जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं की, कि प्रस्तुति अध्ययन की प्रमुख सीमाएं क्या हैं, इस पर भी आप संक्षिप्त में प्रकाश डालें। सीमाओं की अगर हम बात करें तो सीमाओं की हम बात यहाँ पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सीमाओं का हम ध्यान रखें जिससे कि किसी तरह की कठिनाइयों का हमको सामना ना करना पड़े और हम संपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच सकें। ये कई बार ये कहा जाता है परिस्थिति अध्ययन के बारे में कि एक बहुत ही व्ययपूर्ण पद्धति है, ख़ास तरह से अगर हम इसमें ऐसी उस तरह का ऊर्ध्वाधर पद्धति का प्रयोग करेंगे, एक ज़्यादा समय के लिए प्रयोग में लाएंगे और ज़्यादा प्रणालियों का प्रयोग लाएंगे तो ये शायद एक व्ययपूर्ण पद्धति, खर्चीली पद्धति हो सकती है। और इसमें साथ ही साथ कहीं कहीं हमको जो एक समस्या आती है पक्षपात की समस्या भी आ सकती है। जो करता है, अध्ययन करता है, कई बार उसके अपने विचार, उसकी अपनी भावनाएं और उसका अपना जो एक पक्ष है वो भी कई बार उसके निष्कर्ष में, उसके विश्लेषण में एक प्रभाव डाल सकता है जी। और ये एक इसका एक मान के चलते हम सीमा है, इसका अगर ध्यान रखा जाए तो इससे हम अपने आप को बच सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और इसके बारे में यह है कि कई बार हम कुछ ऐसे दोषपूर्ण आरोप लगाते हैं या कई बार ऐसी कुछ हमारे दूसरे जो हमारे स्रोत होते हैं वहाँ से जो हमको सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं ले रहे हैं, अगर वो स्रोत हमारे स्रोत ठीक नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर भी एक समस्या इसकी आ जाती है। तो इस तरह की कुछ सीमाएँ इसकी हैं परिस्थिति अध्ययन की जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि परिस्थिति अध्ययन कैसे किया जाता है और कैसे में, लेकिन मुझे लगता है कि अध्यापकों को यदि हम एक उदाहरण दें और इन सारे पक्षों को उस उदाहरण में समाहित करें बिल्कुल तो वो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप एक किसी, हम कोई भी अध्ययन, हम किसी बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप बच्चे से जुड़ी एक समस्या लेकर और उसका उदाहरण देकर हमारे अध्यापकों को समझाएं कि यदि उस बच्चे का उन्हें केस अध्ययन करना है, उस बच्चे का परिस्थिति अध्ययन करना है तो वो किस प्रकार करेंगे, ताकि वो उस उदाहरण के माध्यम से ये समझ पाएं कि जब उन्हें अपने विद्यालय में उसको इस्तेमाल करना है तो कैसे करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम अपने एक शिक्षण में देखते हैं या शिक्षा के बाहर के, बिकॉज ये हमारे दोनों तरह के प्रयोग में लाया जाता है, चाहे वो शैक्षिक हमारी क्रिया हो चाहे सशैक्षिक क्रिया हो, ऐसे तरह की समस्याएँ बहुत आती हैं। मान लिया एक बालक है, वो हमारे मॉर्निंग असेंबली में ठीक तरह से प्रतिभाग नहीं ले रहा है और ये आपके प्रधानाचार्य की एक कंप्लेंट है, उनका एक आपके साथ हमेशा बात कर रहता है कि ये एक बालक है जो मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स की तरफ से भी ये एक समस्या है।
तो ये उसको हम एक केस मान के चलते हैं और उसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो कि क्या क्या पहला केस हो गया, पहला केस हो गया और क्या क्या समस्या मतलब है बच्चा वो इकाई हो गया, इकाई हो गया, इकाई हो गया। अब उस इकाई की समस्या हमें खोजनी, समस्या खोजनी, ये उसकी सामाजिक समस्या है, उसकी अपनी समस्या, व्यक्तित्व समस्या है, या कहीं हो सकता है कि वो बालक के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो, तो ये यहाँ पर अध्यापक का काम है कि उस आत्मविश्वास के सभी आयामों को वो पूरा उसका एक विश्लेषण करे और उसी के अनुसार वो निष्कर्ष देकर इसके समाधान निकालने की कोशिश करेगा। हो सकता है बच्चा कहीं पहले उसने कभी कभी प्रतिभाग लिया हो और उसको किसी अध्यापक ने उसको डांट दिया हो, जिसके वजह से उसके मस्तिष्क में या उसके बात उसके हृदय में ये बात बैठ गई हो, तो वो अब आगे आने से डर रहा हो, तो यहाँ पर अध्यापक उसका पूरा जब एक प्रास्थितिक अध्ययन करेगा तो उसको हर चीज़ के संपूर्ण इतिहास, उसका संपूर्ण उसका जो एक जीवन रहा है वो, उसके बारे में पता चलता है। वो ना केवल उससे विभिन्न पक्षों को पूछेगा, हो सकता है उसके पुराने विद्यालय से पूछेगा, उसके साथियों से पूछेगा, उसके माता पिता से पूछेगा, उससे कहेगा अपने पुराने अनुभवों को लिखे, या उसने कहीं लिखा हो तो वो बताए, और उन सब वो जब सब जगह से सूचना इकट्ठा कर लेगा तब उन सूचनाओं का अध्यापक को स्वयं विश्लेषण करना होगा। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना नहीं पहुँच सकते, और कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, हमने उसकी सीमाओं में बात कही आपसे कि इस तरह का कई बार ऐसा हो जाता है, तो हमको उससे भी बच के रहना है। हम निष्कर्ष में बहुत जल्दीबाजी ना करें, संपूर्ण विश्लेषण करें, हर पक्ष का विश्लेषण करें और फिर किसी हम निष्कर्ष पर पहुँच के उसके समाधान का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यदि देखें तो अध्यापक किसी बच्चे से जुड़ी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं, कई बार किसी कक्षा विशेष से जुड़ी समस्या हो सकती है कि मान लीजिए किसी कक्षा में बच्चे पढ़ने आते हैं तो जब अन्य अध्यापक पढ़ाने की, अध्यापक से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल सही तो अध्यापक से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, वो उस कक्षा से जुड़ी समस्या हो सकती है, वो विद्यालय से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे शिक्षकों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रस्तुति अध्ययन इस प्रकार की समस्याओं के अध्ययन, उनके निर्धारण, उनकी पहचान और उनके समाधान ढूंढने की एक प्रविधि है। ऐसी बहुत सारी प्रविधियों के विषय में इस पाठ्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और हम निरंतर चर्चा करते रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर वालिया जी ने प्रस्तुति अध्ययन के विभिन्न आयामों पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। अंत में मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे उन्होंने आज जिस विषय पर चर्चा की उसको संक्षेप में उसका एक सारांश प्रस्तुत करें, ताकि हमारे अध्यापक जो शिक्षक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो ये समझ सकें कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे मुख्य बिंदु क्या रहे। जी, हमने प्रारंभ में इसकी उत्पत्ति की बात की और ये बताया कि किस तरह से ये समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा और किस तरह से हमारे शिक्षण के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ही साथ हमने बात की कि कौन कौन सी हमारी इसकी महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, कक्षा के लिए, एक अध्यापक के लिए, इसकी भी बात की हमने की और इसके महत्व की बात हमने करी। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसके दो प्रकार होते हैं जी। एक प्रकार इसका जो है वो ऊर्ध्वाधर है, दूसरा क्षितिज है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो इसके प्रकार हैं और दोनों का प्रकारों का प्रयोग हम समय के अनुसार, समस्या के प्रकृति के अनुसार करते हैं और बाल जो भी हमारी इकाई है उसके प्रकृति के अनुसार करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि इसके प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हम करते हैं, जिससे कि हमारा जो केस स्टडीज़ है, जो हमारा जो परिस्थिति अध्ययन है वो संपूर्ण रूप से सफल रूप में काम कर सके। इसकी विशेषताओं का भी हमने चर्चा की कि इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं और उन विशेषताओं का हम ख्याल रखते हुए इसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करें जी। इसके उपरांत हमने चर्चा इस चीज़ की भी की आज कि इसका जो उपकरण है, इसमें प्रविधियां हैं, वो कौन कौन से प्रयोग में लाई जाती है, जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक जो हमारे आंकड़े होते हैं उसका संकलन किस तरह से करते हैं जी। और अंत में हमने बात की कि इसमें कौन कौन सी सीमाएं हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, हमने विचार में रखना है, जिससे कि हमारा निष्कर्ष, हमारा जो इसका विश्लेषण हो और निष्कर्ष और समाधान जो हो वो संपूर्ण और सही दिशा में चल सके। डॉक्टर जे एन बालिया, जो कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से आज हमारे साथ थे, उन्होंने चर्चा की प्रस्तुति अध्ययन के विभिन्न आयामों पर, प्रस्तुति अध्ययन की आवश्यकता और महत्व पर, उसकी प्रक्रिया पर, एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की समस्याओं का समाधान इस प्रविधि के प्रयोग से कर सकते हैं। कुछ समस्याओं के हमने उदाहरणों की भी चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप न केवल ये समझ पाएंगे कि प्रस्तुति अध्ययन एक
अध्ययन विधि के रूप में आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वरन आप अपने आसपास, अपनी कक्षा, अपने विद्यालय में ऐसी समस्याओं को जब देखेंगे तो प्रस्तुति अध्ययन जैसी विधियों का प्रयोग करके उन समस्याओं के समुचित समाधान ढूंढ पाएंगे और तभी आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में सफल होंगे। इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर जैन वालिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।